Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Sister Shivani, aapka swagat hai Being Bliss mein. Om Shanti. Main kuch padhna chahunga pehle. Sure. Ek bahut sundar line mili mujhe. Make anger so expensive that no one can afford it. And your happiness so cheap that people can get it for free. How beautiful. आप ब्यूटीफुल कह रही हैं, मैंने भी यही कहा, लेकिन ये सब मुझे लगता है सब किताबों में और ये क्या कहते हैं इंटरनेट में और लिखी हुई बातों में ठीक है. प्रैक्टिकली मैंने ट्राई किया कि मुझे पता मेरे मन ने क्या बोला. मुझे कहा कि देखो भैया, तुम एंग्री तो हो, एंगर कर रहे हो, लेकिन किस लिए कर रहे हो? भलाई के लिए, काम के लिए, बच्चों से करते तो उनके प्यार के लिए. तो आप इंटेंशन तो आप अपना देखो, आप एंगर एंगर क्यों कर रहे हो? एंगर के बिना होता भी नहीं, सुनते भी नहीं. सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो हम कर रहे हैं उसके फायदे कितने, नुकसान कितने. तो गुस्से के तो हमने पहले भी देखा कि मन पर असर, राइट, शरीर के हेल्थ पर असर, रिश्तों पर असर, एंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है, हमारी जो एनर्जी है प्यार की, वो ब्लॉक्ड हो जाती है. मतलब एक टाइम पे हमें ये मालूम है कि हम बहुत सारे थॉट्स क्रिएट करते हैं, 25 to 30 थॉट्स पर मिनट हमने देखा, लेकिन एक टाइम पे तो एक ही थॉट ना, एक टाइम पे एक थॉट, मन एक समय पर एक ही थॉट क्रिएट कर सकता है. इवन इफ इट इज के हर सेकंड थॉट बदल रहा है सपोज, लेकिन एक सेकंड में एक ही थॉट, एंड विच मीन्स एक सेकंड में एक क्वालिटी ऑफ थॉट, राइट. एक सेकंड में दो क्वालिटी ऑफ थॉट नहीं हो सकता, वन टाइम वन थॉट, राइट. अब गुस्सा जब आता है तो कम से कम 5-10-15 मिनट चलेगा, राइट. बाहर चाहे 2 मिनट का हो, 3 मिनट का हो, लेकिन अंदर उसका इम्पैक्ट कम से कम 15-20 मिनट चलेगा. अब 15-20 मिनट में हम कितने थॉट्स क्रिएट कर लेंगे? जितनी देर हम गुस्सा करते हैं, हमारी एनर्जी ऑफ लव, ऑफ केयर, ऑफ कंपैशन, ये ब्लॉक्ड हो जाएगी. अच्छा, मैं थोड़ा क्लियर होना चाहूँगा. जब मैं कोई भी थॉट देता हूँ तो वो थॉट के साथ वो एनर्जी जाती है. थॉट ही एनर्जी है ना, थॉट अच्छा, के तो साथ एनर्जी नहीं जाती. अच्छा, अलग अलग नहीं है? नहीं, थॉट मींस जो हमने पहले भी देखा, इट्स द एरो. थॉट वो तीर है जो हम, मैं क्या समझ रहा था, एनर्जी अलग है, थॉट अलग है? नहीं, आत्मा सोल पावर एक थॉट क्रिएट करती है. थॉट की एक क्वालिटी है, राइट. अभी मैं आपके बारे में जो सोचूंगी वो मैं सोचूंगी, फील करूंगी. दिस हैज वाइब्रेशन, यानी एनर्जी हैज वाइब्रेशन. आपको वहां बैठे एक फीलिंग आएगी, या तो वो एक अच्छी फीलिंग होगी, या कई बार हम कई लोगों से मिलते हैं या जब उनका मूड अच्छा नहीं होता तो कहते हैं नॉट गेटिंग अ वेरी नाइस वाइब्रेशन, अच्छी फील नहीं आ रही है. मीन्स जो थॉट्स हम क्रिएट कर रहे हैं वो एक फीलिंग क्रिएट कर रही है, एंड वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी रेडिएट करती है. जिस क्षण जिन लोगों से हम बहुत प्यार करते हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि हम इनसे बहुत प्यार करते हैं? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट एवरी टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर हम उनके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं. हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनकी आदतें, उनकी बातें, उनका व्यवहार, हमें मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत अच्छा लगता है, राइट. तो जो हमें पर्सनालिटी या जो व्यक्ति मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर हमें अच्छे लगते हैं, मतलब उनकी मोस्ट ऑफ द बातें, आदतें, संस्कार हमें अच्छी लगती हैं, ऐसे आई लव बीइंग विद दिस पर्सन, ये मुझे अच्छे लगते हैं. अब इसमें अगर हम एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में देखें, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, बचपन से ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, एंड वी लाइक एवरीथिंग अबाउट द चाइल्ड, इज आई लव माई चाइल्ड. लेकिन जिस क्षण गुस्सा आया तो बच्चे ने कुछ किया है, कोई गलती की है, छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, या हम उसको बार बार कुछ कह रहे हैं वो कहना नहीं मानता, या वो हमें ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ऐसा कर रहा है जिसका उसके जीवन पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, चाहे वो करियर में है, चाहे कभी शादी का डिसीशन है, बिजनेस में है, एनीथिंग. अब ये देख देख कर हम थॉट्स क्रिएट करेंगे, वो स्टिम्युलस है, ये रिस्पॉन्स है. जब बच्चा कुछ ऐसा कर रहा है जिसको हम कहेंगे गलत,
या जिसमें हमें लग रहा है कि उसका अपना ही नुकसान हो रहा है, आपने का इंटेंशन प्यार की है, राइट? क्योंकि हमारी इंटेंशन होती है कि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उनके साथ कभी कुछ गलत ना हो, होना ही नहीं चाहिए, उनको कभी दुख ना हो, उनका कभी कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए. दिस इज द हाईएस्ट प्योरेस्ट इंटेंशन. लेकिन उस टाइम, वो दो तीन मिनट, पाँच मिनट, हम उनके बारे में जो थॉट्स क्रिएट करते हैं वो कैसी वाली थॉट्स होती है? जिस क्षण एंगर है, गुस्सा है, उस समय थॉट्स जो होंगे वो किस टाइप की थॉट्स होंगे? फॉर एग्जाम्पल, क्या सोचेंगे हम उनके लिए? कितना बेकार है, सुनता नहीं है, सब कुछ देते हुए भी, इंटेलिजेंस रखते हुए भी पढ़ता नहीं है, खेलता रहता है, स्कूल में जो है सब लोग आगे बढ़ते हैं और ये पीछे रह जाता है, इतना सब मैं इसके लिए करता हूँ फिर भी नहीं सुनता है, राइट? कितना सताता है मुझे, इसका दुख देता है मुझे. अब ये हो गई कोई बड़ी बात. अगर कोई छोटी बात है कि हाथ से कुछ गिर गया, कोई नुकसान कर दिया, या कुछ आता था फिर भी गलत बोल दिया, उसका बात करने का तरीका ठीक नहीं लग रहा है, तो भी हम कैसे थॉट्स क्रिएट करेंगे? अब ये जब हम थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, एक एक थॉट, और ये बहुत फास्ट क्रिएट होंगे ना, इतनी जल्दी 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 हम उसके बारे में क्रिएट. सपोज दिस इज ओनली एंगर इनसाइड, अभी तो शब्दों में भी नहीं आया, लेकिन जितनी देर ये थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, हमारी क्वालिटी ऑफ एनर्जी. आपसे बात करते करते मुझे लग रहा है कि मैं प्यार नहीं कर रहा हूँ, आई एम बीइंग क्रिटिकल. इज दिस लव और क्रिटिसिज्म? सी, इंटेंशन पेरेंट फॉर चाइल्ड इज लव, राइट? लेकिन सिर्फ उस क्षण, जितनी देर, ऐसा नहीं है कि नहीं देन मेरा प्यार खत्म हो गया या कम हो गया, सिर्फ उतनी देर के लिए, चाहे वो दो मिनट, पांच मिनट, कई बार 15 मिनट, कई बार पूरा दिन नाराज है, तो उतनी देर जो थॉट क्रिएट हो रही है, अगर वो थॉट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उस क्षण हम उसके लिए इंटेंशन अच्छे, लेकिन हम उस क्षण अच्छा नहीं सोच रहे हैं. करेक्ट. वो सुनता नहीं है, ये अच्छी थॉट नहीं है, इसका क्या होगा, ये अच्छी थॉट नहीं है, पढ़ता नहीं, कितना भी बोलो मानता नहीं है, अपनी ही चलाता है. आजकल के बच्चे देखो कैसे हो गए, इनको अच्छी राय दो, इनको समझ में नहीं आती है, इनको अपनी दोस्तों की बातें ज्यादा अच्छी लगती है, मतलब इस क्षण बैड कंपनी, मतलब इस क्षण ये अच्छा नहीं है, ये बच्चा ही अच्छा नहीं है इस क्षण, क्योंकि मेरी एक एक थॉट क्या कह रही थी, इट वॉज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन. अब जिस क्षण ये वाली थॉट्स हैं, ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ये अप्रिसिएशन नहीं है, ये मोटिवेशन नहीं है, ये केयर नहीं है, ये कम्प्लीटली एक ऑपोजिट पैकेज है. इवन अगर हम कहें कि इंटेंशन अच्छी है, तो जितनी देर, अब नाउ दिस आई हैव टू चेक कि मैं ऐसी वाली थॉट्स अपने बच्चे के लिए, देन वी कैन अप्लाई द सेम रूल, हर एक के लिए सेम रूल हो जाएगा. पति पत्नी, पत्नी पति के साथ भी करते हैं, आप ऊंचा बोल रहे हो, आप कम बोली हो, आप ज्यादा बोल रहे हो, आप मत बोलिए, आप दिल की बात मत बोलो, आप घर की बात मत बोलो, बाहर वाले हैं, आप कैसे कपड़े पहने हो, क्या हो, नॉन स्टॉप ये रहता है ना एक दूसरे का, ये क्या प्यार है, कंसर्न है? आप ऊंचा बोल रहे हैं ये आपके लिए अच्छा नहीं है, कैन बी वन थॉट. नहीं, लोग क्या कहेंगे, ये भी कैन बी वन थॉट. लेकिन एक है, आप हर टाइम ही ऐसे बात करते हो, आपको पता ही नहीं है कैसे बोल, सामने बात करना आता ही नहीं आपको. टू थिंग्स आर डिफरेंट. सी, दैट इज व्हाई वी हैव टू सी द क्वालिटी ऑफ द थॉट. कौन सी थॉट केयर की एनर्जी है और कौन सी थॉट एंगर की एनर्जी, मतलब कौन सी थॉट एक पॉजिटिव थॉट है, कौन जगह सिस्टर प्यार है. एक है, सपोज आप अभी कुछ कर रहे हैं, ठीक है, और करते करते वो गलत हो गया, कुछ भी काम गलत हो गया, अभी आप जो छोटा बात, बड़ा नहीं, छोटी बात है, कुछ कर रहे हैं वो गलत हो गया. एक है आपको ये कहना कि आपने ये जो अभी किया, ये जो किया वो ठीक नहीं हुआ, ये गलत हो गया. एंड दूसरा है, आप गलत है. दो चीजों में कोई फर्क. और थोड़ा ऊंचा बोले तो हमेशा आप ये गलत करते ही रहते हैं, और ऊंचा जाने तो मैंने आपको कितनी बार बोला, और मैं कई बार सोच रही थी या सोच रहा था ये कहने के लिए आपसे, कि आप हमेशा यही करते रहते हैं. मैंने सोचा कि आप सीख जाओगे, लेकिन अपने गलती से आपने सीखा नहीं, तो मुझे मजबूरन आपको बोलना पड़ रहा है, मतलब पूरी हिस्ट्री. एंड कितनी बार बोला भी है तो भी आपको समझ ही नहीं आ रहा, कितनी बार आपसे ये गलती हो चुकी है. एंड आप ये बार बार जब ये करते हैं तो मुझे कितना दुख होता है, हमारे पूरे परिवार पर उसका असर पड़ता है, आप करते ही जाते हैं इस तरह से.
वो जो गलती थी वो अलग, जो गलती हुई वो तो गलती हुई, एंड जो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, उनका रोल भी है ना, क्योंकि इंटेंशन बहुत अच्छा है कि ये जो गलती हुई ये नहीं होनी चाहिए थी, ये ठीक होना चाहिए था। लेकिन अभी जो हमने सारी बातें की वो उस गलती के बारे में नहीं थी, वो उस व्यक्ति के बारे में थी जो इस समय गलत लग रहा है। दोनों बातों में हम कहेंगे एक ही बात है, ये एक ही बात नहीं है। सपोज ये कंप्यूटर ही आपके हाथ से अभी गिर जाए, तो कंप्यूटर गिर गया, कंप्यूटर उठाएं उसको ठीक करें, लेकिन एक है आपसे पकड़ा ही नहीं जाता ठीक से, मतलब जब देखो आपके हाथ से चीज ही गिर जाती है, आप ऐसे ही करते हैं, महंगी महंगी चीज हर टाइम टूट जाती है आपसे, आपके हाथ में ही नहीं देना आगे से कुछ भी। दिस इज डिफरेंस, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो फिर ये श्योर है कि ये प्यार नहीं है? फिर उस क्षण प्यार नहीं है, क्योंकि उस क्षण मेरे अंदर नहीं होता। अगर प्यार नहीं है तो क्या है फिर? See, that's what we said. जिस क्षण गुस्सा है, yeah. तो इसका मतलब मेरा प्यार नहीं है, एंगर है? नहीं, उस क्षण सिर्फ, उतनी देर, वही हमने कहा, उतनी देर वो प्यार की एनर्जी ब्लॉक्ड हो जाएगी। इट्स नॉट दैट ऑलवेज, सिर्फ उतनी देर, क्योंकि प्यार है मतलब मेरी थॉट्स आपके लिए बहुत एक अलग क्वालिटी की चलेंगी, लेकिन जितनी देर गुस्सा आया है तो मेरी थॉट्स की क्वालिटी चेंज हो जाती है। अब मेरी थॉट्स, एक होता है गुड विशेस, ब्लेसिंग्स, जैसे सपोज फिर से ये कंप्यूटर गिरा, तो एक है ये कंप्यूटर गिर गया, आपको तो नहीं चोट लगी ना, ठीक है, कोई बात नहीं, आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम ये नहीं होगा, ये है गुड विशेस, ये है क्लीन थॉट। अभी भी कंप्यूटर गिरा है, टूटा भी है, जो हुआ वो गलत भी हुआ, लेकिन आपके प्रति क्रिटिकल नहीं, गलती आपकी नहीं, गलत जो आपने किया, मीन्स द एक्ट एंड द पर्सन, द एक्ट दैट यू परफॉर्म्ड वॉज रॉन्ग, बट नॉट दैट यू आर अ रॉन्ग पर्सन। हाउ कैन यू कॉल एन एक्सीडेंट एन एक्ट आई परफॉर्म्ड? ओके, लेट्स से इट्स नॉट एन एक्सीडेंट, इट्स एन इंटेंशनल एक्ट। ओके, दैट ऑल्सो, सपोज आपने झूठ बोला, जान पूछ कर, सोच समझ कर झूठ बोला, ठीक है, बच्चे ने झूठ बोला, किसी ने भी झूठ बोला, नाउ वी हैव टू टीच द चाइल्ड, इंटेंशन भी बहुत अच्छी है कि इसका झूठ बोलने की आदत ना पड़ जाए। एक्ट जो है, कर्म जो है कि झूठ बोला, एंड दूसरा है व्यक्ति जिसने वो कर्म किया, दोनों को सेपरेट करना होगा। ये एक्ट चाहे गलती से हुआ, एक्सीडेंट, चाहे एक इंटेंशनल एक्ट है, दोनों अलग है ना, लेकिन आपने जो किया, आपने जो बोला, और एक है आप द पर्सन। जब गुस्सा आता है हम एक्ट के बारे में कम बात करते हैं, हम व्यक्ति पर अटैक करते हैं, एंड फिर हम व्यक्ति पर सिर्फ उस एक्ट के लिए अटैक नहीं करते हैं, फिर तो हम बहुत सारी पास्ट की बातें भी निकाल देते हैं, एंड बहुत सारे बैक रेफरेंसेस कर देते हैं, एंड इट्स मोस्टली यू आर लाइक दिस, यू आर लाइक दिस, यू आर लाइक दिस, यू आर नो गुड, यू कांट डू इट, हाउ मच शुड आई एक्सप्लेन टू यू, तुम्हारी वजह से घर में कितनी प्रॉब्लम है, तुम्हारी वजह से घर में सब परेशान है, यू आर द कॉज ऑफ ऑल, यू, इट्स नॉट व्हाट यू डिड, इट इज यू। एंड जब व्हेन आई हिट ऑन द यू, नॉट ऑन वॉट यू डिड, अगर जो आपने किया उस पर अटैक करे तो आप पर नहीं अटैक हो रहा, तो फिर प्यार कहाँ हुआ बेस? जबकि इफ यू अटैक द पर्सन ना, उस क्षण तो प्यार नहीं है, पहले था, आप कहाँ गायब हो गए? सी एवरी थॉट, थॉट की क्वालिटी चेंज, एनर्जी चेंज, बेसिकली मतलब आपके अंदर प्यार है और नहीं भी फिर? एब्सोल्युटली, अब इसकी परसेंटेज को हमें पढ़ाते जाना होगा ना, अब इसको हर थॉट में लेकिन चेक करना होगा, हर थॉट में चेकिंग है। कई बार पेरेंट्स भी बच्चे के साथ ये कर सकते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग आई, रियलाइजेशन आई कि नहीं, अब क्रिटिकल नहीं होना है, एक्सेप्ट करना है, भले वो जो भी कर रहे हैं, एक्सेप्ट, कीप क्वाइट एंड से ओके, आशीर्वाद, कोई बात नहीं, अंदर से भले रोते रहो, चेकिंग यहाँ है, चेकिंग यहाँ नहीं है, चेकिंग यहाँ नहीं है, चेकिंग यहाँ है कि क्या मुझे गुस्सा आ रहा है, एंड इम्पोर्टेंट है, जब गुस्सा आ रहा है माई एनर्जी ऑफ लव इज गेटिंग ब्लॉक्ड,
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब जो एनर्जी ब्लॉक हो रही है मेरी, वो उन तक तो नहीं पहुंच रही ऑब्वियसली, मतलब उनको प्यार नहीं मिल रहा है इस क्षण, माई एनर्जी ऑफ लव इज ब्लॉक्ड. लेकिन इंपॉर्टेंट इज माई एनर्जी इज गेटिंग ब्लॉक्ड. नुकसान उनका कब, मेरा ज्यादा होने वाला है. इट्स लाइक द फ्लो ऑफ ब्लड. नेचुरल, एक नेचुरल है प्यार फ्लो करना हमारे से, लेकिन कुछ क्षणों के लिए माय फ्लो ऑफ ब्लड गेट्स ब्लॉक्ड. सपोज सप्लाई टू द हार्ट गेट्स ब्लॉक्ड, सांस रुक जाए. हाँ, उस तरह से. क्यों आज हम अनकंफर्टेबल हैं? हम कहते हैं ना, सब कुछ होते हुए हम खुश क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लॉकेज ये बढ़ती जा रही है. बहुत अच्छी बात है ना. जैसे पूरा दिन में अगर एक बार गुस्सा आया सपोज, लेकिन सारा दिन नेचुरल है, नेचुरल एनर्जी फ्लोइंग है, काम, रिलैक्स्ड, पीसफुल. सोल की जो नेचुरल एनर्जी है वो है प्यार, हैप्पीनेस, शांति. जितनी देर वो इस नेचुरल एनर्जी में होगा, वील फील कंफर्टेबल. और जितनी देर हम नेचुरल से हटेंगे, वी आर गोइंग टू फील अनकंफर्टेबल. जब हमारी नेचुरल एनर्जी ब्लॉक होती है, उतनी देर हमें अच्छा नहीं लगेगा, मन को भी नहीं, शरीर को भी नहीं. जैसे जैसे ये फुट है, पैर है, लेकिन वो ब्लड सप्लाई रुक जाए, उसको गया ही नहीं, तो हम कहते हैं मेरा पैर सो गया, सुन्न हो गया, नंब हो गया. नंब हो गया मीन्स द नेचुरल फ्लो इज नॉट देयर. अब वो है, लेकिन वो अपना नेचुरल काम नहीं कर सकता जब तक हम वो सप्लाई को फिर से नहीं ठीक करें. हम हैं, रिश्ते हैं, करियर है, सब कुछ है, बिजनेस है, लेकिन जब नेचुरल सप्लाई जो एनर्जी का है वो जब ब्लॉक होने लगता है, तो सारी चीज़ें होते हुए भी ठीक वर्क नहीं कर रहे हैं. अब इसको हमने कहा कि नहीं, ये तो नेचुरल है, गुस्सा तो आता ही है, ये तो करता ही है, लेकिन जितनी देर हम ये कर रहे थे, हम अपनी नेचुरल सप्लाई को ब्लॉक कर रहे थे. अब अगर ये दिन में एक आधी बार हो तो भी इट्स ओके. लेट्स से मेरा पैर दिन में एक आधी बार सो जाता है, नंब हो जाता है पूरा, तो एक दिन में 5 मिनट के लिए नंब हो जाए तो मैं बैठूँ, उसको ठीक करूँ, ऐसे करूँ. अब 1 घंटे में एक बार होने लग जाए तो थिंग्स विल गेट लिटिल डिफिकल्ट. अब हर आधे घंटे बाद 5 मिनट के लिए ये ऐसे होने लग जाए, इट्स गोइंग टू गेट टफर. क्योंकि उतनी देर अगर सप्लाई ब्लॉक होती गई और फिर धीरे धीरे वो 5 मिनट के लिए नंब होता है, लेकिन क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंट होता है, हर आधे घंटे बाद होता है, तो ओवरऑल एफिशिएंसी सिस्टम की डाउन हो रही है, तो वो 5 मिनट का इफेक्ट भी थोड़ी ज़्यादा देर चलता है. एंड धीरे धीरे हम कहते हैं ये मेरा मूड था, लेकिन धीरे धीरे वो मूड काफ़ी लंबा चलता है. उतनी देर में कोई और परिस्थिति आती है, फिर वो नंब हो जाता है, फिर वो, एंड धीरे धीरे हम कहते हैं ये मूड ही ऐसा रहता है अब इनका. जब ऐसे होने लगता है, यू नो, जैसे कई लोगों का मूड अशांत रहने का रहता है, कई परेशान, मतलब परेशान होंगे तो ऐसे ही परेशान रहेंगे, कोई भी मैटर नहीं मिलेगा परेशान होने के लिए, तो पास्ट की कोई बात निकाल कर, कोई टीवी देख के शुरू हो जाते हैं. yes. देखो इन्होंने क्या कर दिया. yes. देखो उन्होंने क्या कर दिया, मतलब न्यूज देख देख के टेंशन लेते हैं, परेशान, ये परेशान, गुस्सा, देश का क्या होगा. अच्छा, कोई उदास तो उदास, उदास है बस कोई ना कोई बात लेकर, दुखी तो दुखी. अब जितनी देर ये लंबा चलेगा, 1 मिनट के लिए आए गया तो भी इट्स ओके, 2 मिनट आया गया ओके, लेकिन जब ये लंबा चलता जाएगा, ज्यादा देर चलेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, लेट अस अंडरस्टैंड उतनी देर मेरा नेचुरल फ्लो ऑफ एनर्जी ब्लॉक हो रहा है. अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो अब अगर हमें अपने गुस्से को कम करना है, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो नेचुरल फ्लो है वो ब्लॉक ना हो. जितना नेचुरल फ्लो रहेगा, ये दूसरा संस्कार जो अनकंफर्टेबल है ये कम हो जाएगा. इसमें बहुत इम्पोर्टेंट ये, और ये बहुत इजी है, ये बहुत इजी है करना, कि जब भी कोई बात आने वाली है, चाहे वो छोटी सी गलती है, चाहे वो कोई बहुत बड़ी बात है, कोई बहुत बड़ा डिसीशन है, फोकस, अपने मन का फोकस उस एक्ट पर रखिएगा, व्यक्ति पर नहीं. और ये हर एक के साथ करना है, सेपरेट द एक्ट फ्रॉम द पर्सन. ये कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन जैसे अभी मेरे घर में कांच का दरवाजा बिटवीन किचन एंड खाने का हमारा, वो टूट गया. ओके.
एक शब्द मैंने नहीं बोला, आया और मैंने कहा चलो लकड़ी का लगवा देते, ठीक है। बड़े बड़े प्रॉब्लम में मुझे कुछ नहीं होता है, ये छुट फुट छुट फुट छुट बर्तन गिरा रहे हैं, बात कर रहे हैं फोन पे, मैं खाना खा रहा हूँ तो किचन में चींची चींची चल रहा है, जब किचन के बाहर हम आते कितनी देर है खाने के लिए, आधा घंटा लंच, उस आधे घंटे में अगर स्टाफ डिसिप्लिन नहीं रहेगा वहाँ चिड़चिड़ होती है। लेकिन तोड़ तोड़ दिया परवाह नहीं, लेकिन उसमें भी जो वो कर रहे हैं कि वो आवाज कर रहे हैं, वो कर नहीं रहे हैं, वो है ही ऐसे, ये क्योंकि क्योंकि 10 बार बोला है 100 बार बोला है, जिस चीज के लिए आप पैसे लेते हो आप वो नहीं करते हो तो मतलब क्या है। और अपने आप को, एक मिनट, अपने आप को 10 बार 100 बार बोला है कि गुस्सा नहीं करना, खुशी जा रही है, मेरा प्रोफेशन नहीं है वो, मैं उसके लिए पैसे नहीं ले रहा, जीवन का लक्ष्य है, मेरी हेल्थ है, मेरे रिश्ते हैं, उस चीज के लिए भी मैं अपने को नहीं बदल सकता, उनका तो सिर्फ प्रोफेशन है, मेरे तो वो जीवन का पर्पस है, कितना फर्क है। अगर आपको इतना ही बोला गया है कि हम लोग खाना खा रहे हैं तब आप शांत करो, फोन भी ठिक भी, लड़ाई क्यों कर भी रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, उनका संस्कार है। उनका संस्कार है ना ऐसा, हाँ, वो संस्कार, संस्कार है या आप वैसे हैं, एक ही तो बात हुई, हाँ वही तो, वो उनका संस्कार है, हम बार बार उनको संस्कार को चेंज करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हम एनर्जी किसके प्रति क्रिएट कर रहे हैं, उस आदमी के, वो ऐसे हैं, अब वो नहीं चेंज हो रहे, क्या हमने कभी अपने आप को देखा कि हम क्या कर रहे हैं। इट्स सो इजी टू से 10 बार बोला 100 बार बोला तो भी नहीं समझ में आता, अपने आप को 10 बार बोला 100 बार बोला दिन में 10 बार बोला तो भी नहीं हमें समझ में आ रहा। ये है एम्पथी, ये है कंपैशन, कि हाँ संस्कार चेंज करना इतना इजी नहीं होता है कि बोला और हो जाएगा, उनका भी संस्कार चेंज करना इतना इजी नहीं होने वाला है, बोला और हो जाएगा। सपोज यहाँ पर हम शूटिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपका स्टाफ, ये 3 कैमरा लगे हुए हैं, ये लोग को मालूम है कि हम शूटिंग कर रहे हैं तब बात नहीं करना है, तो नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए शूटिंग हो रही है ना, अगर एक दूसरे से करने लग जाएं तो ये संस्कार का क्या है, ये तो डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है। जब उनको बोला कि हम खाना खाते हैं तब आप चिल्लाएंगे नहीं, तब आप बर्तन नहीं धोएंगे, आप खड़फड़ नहीं करेंगे, फोन पे बात नहीं करेंगे, हम 10 मिनट खाना खा के चले जाएंगे, आप जो करना है करो, तो फिर ये तो डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन, बिकॉज यू बीइंग पेड फॉर इट, आई डोंट एग्री कि इसमें मेरी, ये डिसिप्लिन है और मैं आपको इसी शर्त पे रखा हूँ, ये डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए, लेकिन हर टाइम मेंटेन होगा इज नॉट नेसेसरी, और हर टाइम नहीं मेंटेन होगा वो नेसेसरी है, नहीं, वी आर नॉट सेइंग कि जो वो कर रहे हैं वो राइट है, बट कैन आई अफोर्ड टू गेट डिस्टर्ब्ड एवरी टाइम, यहाँ हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि उनको कैसे चेंज करना है, नहीं, मुझे अपने संस्कार को कैसे चेंज करना है व्हेन दे आर इनडिसिप्लिन्ड। अगर फिर मैंने जस्टिफिकेशन ही दे दी तो फिर तो मेरा प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाएगा ना, ये तो सही है, ये तो मेरा प्रोसेस रुक गया ना, फिर मेरा प्रोसेस रुक गया, नो इट्स नॉट इजियर फॉर मी टू चेंज, इट इज आई वॉन्ट टू एंड आई हैव टू चेंज। आज एक स्टाफ है, कल दूसरा होगा, परसों ड्राइवर होगा, उसके अगले दिन बेटा होगा, उसके अगले दिन बहू होगी, उसके अगले दिन ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, उसके बाद स्टाफ होगा, कितने लोग मेरे आसपास मेरी तरह से चलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, तो बर्दाश्त करता रहूं, बर्दाश्त नहीं, इम्पोर्टेंट है मैं अपने ऊपर अटेंशन रख रहा हूं, उनके ऊपर नहीं। लोग, वी हैव टू रिमेम्बर दिस, वी आर डीलिंग विद पीपल, वी आर नॉट डीलिंग विद मशीन्स, मशीन भी हमेशा उसी तरह नहीं चलती है, ऑन किया ऑन, ऑफ किया ऑफ, रखा तो रखा, उठा तो उठा, ये मशीन्स होती हैं। हाँ, कंप्यूटर को भी मैं देखता हूँ ना, ऑफ करने के बाद वो पूरा टाइम लेता है। हाँ, आज तो हम मशीन के साथ भी इरिटेट हो जाते हैं, इतना स्लो क्यों है, इंटरनेट क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है, इंटरनेट मेरे को स्पीड कनेक्टिविटी वो क्यों नहीं, मैं कभी कभी कंप्यूटर से भी चिढ़ जाता हूँ, मैं जब बंद करना चाहता हूँ वो बोलते हैं अपडेट कर रहा हूँ। व्हाट इज द संस्कार, मोबाइल लगा रहे हैं क्यों नहीं लग रहा है, नेटवर्क कैच क्यों नहीं कर रहा है, विच मीन्स जो मुझे चाहिए वो क्यों नहीं हो रहा है। हर टाइम जो लाइन है, अंडरलाइन है, वो ये कंप्यूटर टू फास्ट, ये कंप्यूटर टू स्लो, कैसी स्पीड चाहिए जो मुझे ठीक लगते हैं। ये व्यक्ति गाड़ी बहुत फास्ट चलाता है, कितने पे चला रहा है, 120, टू फास्ट। दिस पर्सन कितना स्लो गाड़ी चलाता है, कितने पे चला रहा है, 80। आपको कितनी चाहिए, राइट स्पीड कौन सी होती है, 100। किसने डिसाइड किया, मी।
तुम इतना धीरे बोलते कुछ सुनाई नहीं देता है। हाँ। तुम इतना जोर से बोलते कान फट जाता है। दिस इज इट। हम चाहते हैं कि हर एक हमारे आसपास, यहाँ तक कि मशीनरी भी। तो इसका मतलब है मैं ही नहीं जानता मुझे क्या चाहिए। नहीं, हम जानते हैं हमें क्या चाहिए। फिर? हमें चाहिए वो जो एग्जैक्ट 100 पर गाड़ी चलाए। तो वो कैसे रीड करेगा? हमें चाहिए वो, अगर वो रीड भी कर लिया, आपने कहा आई हैव पेड देम एंड आई हैव टोल्ड देम कि उन्हें ये करना है, लेकिन वो ह्यूमन बींग है। अगर ये भी तो ह्यूमन बीइंग है, मेरे कैमरा डिपार्टमेंट में रख लो ये, आपका यहाँ जो बैठे हैं, इसका बात मतलब नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो कुछ लोग कभी कभी मेरी बात मानेंगे। मेरी बात नहीं, इनका प्रोफेशन है। हाँ, तो प्रोफेशन है ना, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन उनको दिया जाएगा, जो डिसिप्लिन की डेफिनेशन आप क्रिएट करेंगे, वो कुछ लोग कभी कभी मानेंगे, सब लोग भी कभी कभी मानेंगे, लेकिन सब लोग हर टाइम हर बार मेरी हर बात मानेंगे। मेरी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी पायलट है तो पायलट प्लेन चलाएगा ही ना। गुस्सा हमें तब आता है जब चीज मेरे अनुसार सही नहीं होती है। मैं मेरे अनुसार नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उसके प्रोफेशन के अनुसार उसको सही करना है। आप देखो, वो लोग किचन में हैं, आप बाहर खाना खा रहे हैं डाइनिंग टेबल पर, वो आपस में बात कर रहे हैं, यही बात आपकी फैमिली में किसी और को उतनी तकलीफ नहीं देगी। कहेंगे तो क्या हुआ, लोग है ना किचन में खाना बना रहे हैं, थोड़ी बातें की आपस में तो क्या होगा। अच्छा, उसको भी अगर उन्हें करेक्ट करना है तो कहेंगे थोड़ा धीरे बोलेंगे आपस, या आप ऐसा करेंगे 15 मिनट के बाद बात कीजिएगा आप। लेकिन डेली बोलते हैं। हाँ, डेली बोलते हैं, पहले उठ के एक रूल बना लेते हैं, उनको लिख के दे देते हैं। आप रूल बना के भी लिख कर दे देंगे, नॉट नेसेसरी इट विल बी फॉलोड। This is a way of living. हम हर बात के लिए अपनी एनर्जी को ब्लॉक नहीं कर सकते हैं. We are not justifying anything कि वो लोग सही हैं या नहीं हैं, डिसिप्लिन है या नहीं है, राइट है या रॉन्ग है। मैं अपनी एनर्जी को नहीं ब्लॉक कर सकता ना, मेरा सप्लाई रुक रहा है। अब अगर मेरा सप्लाई इतनी छोटी छोटी चीजों में रुकेगा, तो वही जैसे आपने कहा था पांच हो गया हर छोटी बात में, हर 15 मिनट में, हर फिर तो पांव ही बंद हो जाएगा चलना, मतलब जैसे बॉडी को ऑक्सीजन मिलना कम हो जाएगा, थोड़ी देर भी बंद हो जाता है अगर ऑक्सीजन। एक घंटे में 1 सेकंड, फिर बाद में 1 घंटे में 10 सेकंड, फिर 1 घंटे में मिनट, हर मिनट में 1 सेकंड, तो फिर तो हाथ। और जैसे ही थोड़ा ज्यादा देर अगर ब्लॉक हो गया ऑक्सीजन, देन आई हैव टिप्ड ऑफ। जब ये एनर्जी ब्लॉकेज ज्यादा 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 होने लग जाता है, तब जाके वो डिप्रेशन की एक्सट्रीम स्टेज, क्रॉनिक बीमारी, और तब वो ब्लॉकेज सिर्फ यहाँ ना रहकर, जब वो ब्लॉकेज यहाँ भी मैनिफेस्ट होता है। किसी का भी शरीर में ब्लॉकेज पहले नहीं होता है, जिनके मन में ब्लॉकेज नहीं है उसके शरीर में ब्लॉकेज नहीं हो सकता। वंडरफुल सिस्टर, दैट वाज अ लवली लाइन, कि मन में ब्लॉकेज है तो शरीर में है, और फिर एनर्जी में भी है, थॉट में भी है, बिहेवियर में भी है। तो इस ब्लॉकेज को हम रोकते हैं, और फिर अगले एपिसोड में और आपसे पूछेंगे कि इस ब्लॉकेज को कैसे दूर किया जाए। थैंक यू, नमस्कार। व्हेन वी क्रिएट अ थॉट, इट इज फॉलोड बाय अ फीलिंग। दिस एनर्जी इज एक्सपीरियंस्ड बाय अस एंड ऑल्सो रेडिएट्स टू द पर्सन for whom it is created. Love means acceptance. When we get critical or angry, we create negative energy of rejection. There is no appreciation, motivation, or respect in those moments. Our intention for family and friends are good, but in moments of anger, our positive energy of love gets blocked and we radiate negative energy. Frequent blocking of our natural feelings affects our emotional and physical health and our relationships. When someone makes a mistake, talk about the mistake. Don't criticize the person. Separate the act from the person. Do not make past references about the person. Discuss only what needs to be done in the future.
If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Rajyoga Meditation Center, write to us at Ye mantra ma